नमस्कार साथियों। तो जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है पृथ्वी की उत्पत्ति और इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति, मतलब सविंदर सिंह, डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक, इसमें हमने लगातार तीन हाइपोथेसिस पढ़ ली है। पहले हाइपोथेसिस हमने इमैनुअल कांट साहब की, दूसरी हाइपोथेसिस लाप्लास महोदय की और तीसरी चैम्बरलिन और मॉल्टन साहब की। ठीक है, अब इन तीन हाइपोथेसिस को समझने के बाद हमें आज चौथी हाइपोथेसिस स्टार्ट करनी है और इस हाइपोथेसिस का नाम है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। देखिए, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस जिन्होंने दी है, ये अंग्रेज विद्वान है और मतलब इंग्लैंड के लोग हैं, और इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी है ये समझाने के लिए कि उस समय जो मान्यताएं चल रही थी उन मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया इन्होंने इस अपनी हाइपोथेसिस को दे करके। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक इनकी इस हाइपोथेसिस को सम्मान मिलता रहा, बहुत लंबे समय तक इसका आदर भी रहा, लेकिन वही है समय के साथ साथ फिर कोई अगले विद्वान आएंगे एच एन रसल और रसल इस हाइपोथेसिस को रिपोस्टुलेट करेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और जियोमॉर्फोलॉजी पर आने के लिए बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए उससे पहले के सारी सारी हाइपोथेसिस को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद क्लाइमेटोलॉजी या हाइड्रोलॉजी समझ पाते हैं। अब मैंने आज इस टाइडल हाइपोथेसिस को थोड़े बहुत सरल तरीके से आपको देने की कोशिश करी है, तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इस हाइपोथेसिस को समझने के बाद एक बार बुक से इसे जरूर पढ़ लें ताकि आपका इसको लेकर के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, जेम्स जीन्स साहब की इस हाइपोथेसिस के ऊपर बात करते हैं हम लोग। जेम्स जीन्स साहब ने इस हाइपोथेसिस में कुछ ऐसे खुद के ही अनुसार माने हुए कल्पनाएं रखी है और उन कल्पनाओं के आधार पर इस हाइपोथेसिस को उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश करी है। जैसे पहली हाइपोथेसिस, पहली जो पॉइंट्स रहे हैं हाइपोथेसिस के, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो सन है, सूर्य है, अब तक हमने आद्य सूर्य पढ़ा था, प्रोटो सन या प्रोटो स्टार, लेकिन अब ये इसको सूर्य मान रहे हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? देखिए, सूर्य एक तारा है, भली बात ही जानते हैं सब लोग। जब तारे बनने के क्रम में कुछ कमियां रह जाती है या फिर पूर्ण रूप से तारा नहीं बन पाता है तो वह आद्य तारा कहलाता है, और क्योंकि सूर्य भी एक तारा है तो इसलिए हम इसे आद्य सूर्य या फिर प्रोटोसन या फिर प्रोटो स्टार कहते हैं। लेकिन जीन से सामने माना कि ये कंप्लीट क्या था, सूर्य था, और ये सूर्य अपने ऑर्बिट में कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा था, ऑर्बिट से बाहर नहीं जा रहा था या किसी और तरफ ये मिसगाइड नहीं हो रहा था, कहने का मतलब। अब इस सन के साथ साथ ही कहीं दूर से कंपेनियन स्टार आ रहा था जो इसके आकार में बहुत विशालकाय था और उसकी ज्वाली, अब बड़ा रहेगा तो उसकी ज्वाली शक्ति भी ज्यादा रहेगी, सीधी सी बात है, कंपेनियन स्टार। और हम हमारा यहां सम्मान लेते हैं एक बार। अब जो जो कंपेनियन स्टार इसके नजदीक आने लगा तो इस सन की सतह पर कुछ, ये इतना भी तीखा नहीं इतना उससे बन गया है, लेकिन मान लीजिए कुछ इस टाइप की आकृति इसकी सतह से निकलने लगी, इजेक्ट होने लगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये पास आता गया इसकी ग्रेविटी की वजह से यही आकृति आगे जाकर के इस टाइप से बन गई, और ये निकली किससे, हमारे इस सन से। ठीक है, इस सूर्य से निकली, और इस आकृति को अगर बड़ा करके एक बार देखें तो ये हमें एक फिलामेंट की शेप में मिलती है, फिलामेंट की शेप में मिलती है, सिगार की शेप में मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जेम्स जीन्स सर ने यही बताना की कोशिश करी के सन के नजदीक एक बड़ा तारा कंपेनियन स्टार गुजरा और
इसके सतह पर कुछ इजेक्शन होने लगा, कुछ इजेक्ट हुए मैटर, और वो मैटर इजेक्ट, अच्छा मैटर सेपरेट इजेक्ट नहीं हुए, एक सिगार की शेप में इजेक्ट हुए, ठीक है, एक फिलामेंट की शेप में इजेक्ट हुए, जबकि इससे पहले हमने पढ़ी थी चैम्बरलिन मोल्टन की, तो उन्होंने ये कहा था कि सेपरेट जो मैटर थे वो इजेक्ट हुए थे सरफेस से, या सेपरेट अलग अलग नहीं हुए, ठीक है। ये सिगार जो है किनारों से सकरी थी, आपको दिखी नहीं होगी, किनारों सकरी है और बीच में से ये मोटी है, बीच में से ही मोटी है, ठीक। तो उन्होंने बताया कि कंप्लेन स्टार के इसके अप्रोच करने से, सन के पास से गुजरने से, एक सिगार शेप में एक फिलामेंट इससे इजेक्ट हुआ, दूर हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ कंप्लेन स्टार और सन को हम एक बार हटा देते हैं और फोकस करते हैं इस फिलामेंट पे, ठीक है। अब जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है, इसके बारे में पढ़ने के बाद हमें कुछ नए क्वेश्चंस है हमारे सामने, जिनका समाधान इस हाइपोथेसिस को पढ़ने से मिल जाता है। जैसे पहला क्या है, ग्रह जो प्लैनेट्स है, ग्रह की उत्पत्ति किस किस टाइप से हुई है। दूसरा, ये जो भी प्लैनेट्स है इनका आकार और क्रम। फिर उसके बाद जो सैटेलाइट्स है, उपग्रह, उपग्रह की उत्पत्ति, और उसके बाद सेम बात कि उपग्रह का आकार, हर ग्रह के हिसाब से जो उपग्रह है उनका आकार, उनका क्रम, ठीक है। तो ये तीन चार हमें मिल जाती है, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। फिर इसके बाद जो हम लास्ट में हर बार करते हैं, मूल्यांकन, ठीक। तो कोशिश करते हैं पहले ग्रह की उत्पत्ति को समझने की, ठीक। अब क्योंकि अगर वर्तमान में सोलर सिस्टम को देखें फोटोग्राफ्स में, तो सेंटर में सबसे बड़ा है जुपिटर, इसके बाद आपको मिलता है मार्स, मंगल, और इसके बाद आपको अपनी मिलती है पृथ्वी, और इसके बाद आपको मिलता है शुक्र, देखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आपको मिलता है बुध, ठीक है, और उसके बाद आपको मिलता है सैटर्न, शनि, फिर उसके बाद अरुण, वरुण, और फिर प्लूटो। अच्छा, ये प्लूटो भी 2006 तक ही है, इसके बाद इसको ग्रहों के दर्जों में से हटा दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 के आसपास हुई, तो जो जेम्स जीन्स की हाइपोथेसिस 1919 की है, और इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो प्लूटो की लास्ट रैंकिंग है साइज के हिसाब से परफेक्ट बैठती है एकदम, ठीक है। आगे जाकर के इसको भी हटा दिया प्लैनेट्स की कैटेगरी से कुछ कमियों के होने की वजह से, उस पर हम बात कभी बाद में कर लेंगे विस्तार से। अब ग्रहों की उत्पत्ति की बात करें, तो जो ये फिलामेंट है ये किनारों से बहुत सक्रिय है, तो सक्रिय होने के कारण जो छोटे छोटे ग्रह थे, अच्छा पूरे नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, समझने की जरूरत है बस आपको, तो जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो आपको बीच में दिखाई देंगे, ठीक है। एक्सेप्शन आप मार्स को छोड़ दीजिए, मार्स क्योंकि पृथ्वी से छोटा है, कायदे से आपको पृथ्वी छोटी होनी चाहिए थी, मार्स बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, आपको याद है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी इस सिगार के हिसाब से प्रॉपर फिट बैठती है ये हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ग्रहों का ये जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसमें उन्होंने कहा कि जो फिलामेंट थी, जो सिगार थी, इसमें वही शीतलन हुआ, ठंडी होने लगी समय के साथ, और इसमें संकुचन होने लगा, कंडेंसेशन होने लगा, स्लो कंडेंसेशन, और इस स्लो कंडेंसेशन के होने की वजह से ये फिलामेंट 9 भागों में टूट गई। अब ये फिलामेंट 9 भागों में टूट गई, और वर्तमान में हमारे पास जो हमारे प्लूटो हटा दें तो वैसे 8 ग्रह है, उसके हिसाब से 9 ग्रह है हाइपोथेसिस के हिसाब से, अगर पहले के हिसाब से देखें तो ये 9 ग्रह में दिख जाते हैं हमारे। तो धीरे धीरे ये शीतलन संकुचन हुआ, और उसके बाद ये ठंडी होते 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 हमारे प्लैनेट्स बन गए। तो चलो, एक समस्या का तो समाधान हुआ। इसके बाद है ग्रहों का आकार और क्रम। तो ग्रहों का आकार और क्रम की अगर बात करें, तो क्योंकि फिलामेंट बीच में से मोटी है, इसकी साइज है जो बीच में ज्यादा है, इसलिए जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो भी बीच में ही है, और किनारों से ये आकार इसका घटता जाता है। तो आकार संबंधी समस्या को जीन्स साहब ने इस टाइप से बताने की कोशिश करी,
और क्रम भी इसी हिसाब से बताने की कोशिश करी कि जो छोटे छोटे ग्रह थे वो आगे हैं, बड़े बड़े ग्रह बीच में हैं, उसके बाद लास्ट में जाते हैं, फिर छोटे छोटे ग्रह पीछे की तरफ से जाते हैं। ठीक है, तो जैसा उन्होंने बताया उस हिसाब से ग्रहों के आकार और क्रम की समस्या भी यहाँ सुलझ गई। ठीक है, अब उपग्रह की उत्पत्ति, अब इस उपग्रह की उत्पत्ति को अगर देखें तो जो ये फिलामेंट है ये टूट के 9 भागों में बट गई, लेकिन जो सन है इस सन के अराउंड हमारे ये 9 जो प्लैनेट्स हैं, 8 हैं जो भी है, ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ज्वारी शक्ति की वजह से इनके सरफेस के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर वही चीज हुई जैसा इस फिलामेंट है, इस सन के सरफेस पर हुई थी उस कंपेनियन स्टार के अप्रोच करने की वजह से। तो वापस वही इनकी सतह भी टूटने लगी, और टूटने के बाद इनकी सतह पर से कुछ 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 बाहर निकलने लगे। ठीक है, ये गर्म थी और वो बाहर निकल करके धीरे धीरे उन्हें समय लगा ठंडे होने में, और ठंडे होने में समय लगा और हिसाब से उनके उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। जैसे हम ये मान लें कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति को ठंडा होने में भी उतना ही समय लगा होगा, और बृहस्पति को ठंडा होने में समय लगा इसीलिए इसके जो ग्रह उपग्रह हैं वो भी उतने ही ज्यादा हैं, क्योंकि वो उतने ही धीरे धीरे, बहुत सारे जो थे उतने ही धीरे धीरे वो ठंडे हुए। और शनि है, शनि भी आकार में इतना ही बड़ा है, तो इसके भी जो आसपास जो मटेरियल्स थे उन्हें भी ठंडा होने में उतना ही समय लगा, क्योंकि ये भी आकार में उतना ही बड़ा है, इसलिए इसके भी बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, बहुत ज्यादा उपग्रह हैं। लेकिन वही जो आकार में बहुत ज्यादा छोटे हैं बुध और शुक्र, ये बहुत छोटे होने की वजह से बहुत जल्दी ठंडे हो गए, इसलिए इनके प्रॉपर उपग्रह नहीं मिल पाए। तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी हमें बृहस्पति के और शनि के मिलते हैं, और सब ना के बराबर बिल्कुल है ही नहीं, वो हमें बुध और शुक्र के मिलते हैं। तो ये ग्रह उपग्रह की उत्पत्ति की समस्या भी यहाँ सुलझ जाती है। अब उसके बाद उपग्रह का आकार व क्रम, देखो आकार की समस्या क्या है, आकार की समस्या भी यही है कि जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसके ही उतने ही ज्यादा क्या होंगे, उपग्रह होंगे। ऐसे बृहस्पति है, शनि, इनके बहुत सारे छोटे 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 उपग्रह हैं। ठीक है, और क्रम की बात करें तो वही क्रम है कि अगर ये बृहस्पति मान लें, एक बार जुपिटर मान लें इसे, तो इसके जो मध्य में होगा वो सबसे बड़ा उपग्रह होगा, उसके बाद उनको भी आकार धीरे धीरे घटता हुआ मिलेगा आपको। तो इसी टाइप से ये आकार उपग्रह की जो क्रम है इसकी समस्या भी सुलझ जाती है। अब बात आती है मूल्यांकन की, तो देखो मूल्यांकन पे अब इस मूल्यांकन को सॉल्व करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति है B11। B11 महोदय ने कहा कि ब्रह्मांड में तारे इतनी दूर दूर हैं कि इनका आपस में टकराव हो ही नहीं सकता। तो ये जेन्स साहब की जो हाइपोथेसिस है इस पर उन्होंने पानी फेर दिया। ठीक है, दूसरा बताया जाता है कि ये जो कंपेनियन स्टार था ये आया और आकर के गया कहाँ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर तीसरी बात एन एन पारिस की, ये एन एन पारिस की बताते हैं कि गणितीय नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, और इसी टाइप से एच एन रसल ये भी बताते हैं कि अगर सूर्य से ये जो ग्रह बने होंगे तो भाई ये सूर्य के व्यास के 500 गुना दूरी पर परिक्रमा करते हैं बृहस्पति को जुपिटर, इतना दूर। ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो अरुण है वो सूर्य के व्यास के 3000 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है सूर्य की। तो कैसे पॉसिबल है कि सूर्य से बने हुए होंगे, सूर्य के टुकड़े होंगे,
तो ऐसे करके ये सब लोग इस पर पानी फेर देते हैं अपने अपने सिद्धांतों को देकर के, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले वो एच एन रसल साहब की हाइपोथेसिस पढ़ने वाले, माइनर हाइपोथेसिस, तो इसलिए एच एन रसल साहब का नाम यहाँ पे आया भी है। उसके बाद इस हाइपोथेसिस को थोड़ा सा पोस्टुलेट करने की कोशिश करते हैं जेफरीज महोदय, और जेफरीज महोदय इस हाइपोथेसिस को 1929 में रिपोस्टुलेट करते हैं, दोबारा से हाइपोथेसिस देते हैं अपनी कुछ इसमें संशोधन करके। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये सूर्य है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अप्रोच कंपेनियन स्टार है यहां पर। इसके अलावा एक और सूर्य का साथी तारा था यहां पर, और ये कंपेनियन स्टार और ये साथी तारा दोनों भिड़ गए। इससे इसके कुछ मैटर इस ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में फैल गए, और ये कुछ तो इतने बड़े थे जिन्होंने केंद्र का काम किया, न्यूक्लियस का काम किया, और इनके आसपास ये छोटे छोटे इकट्ठे होकर के ग्रह बन गए। दूसरी बात, ये कुछ तो द्रव अवस्था में थे और कुछ ठोस अवस्था में थे। ऐसा नहीं है कि गैस थे और गैस से डायरेक्टली बहुत जल्दी 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 ये सॉलिड हो गए, ठोस हो गए। तो ये द्रव और ठोस अवस्था में थे, और फिर आगे जाकर के जो ठोस थे वो और ठोस होते गए, जो द्रव थे वो आगे जाकर के ठोस होते गए, और पृथ्वी भी लगातार समय के साथ साथ धीरे धीरे सॉलिड होती गई, ठोस होती गई। तो इस टाइप से जेफरीज महोदय ने भी 1929 में हाइपोथेसिस को रिपोस्टुलेट कर दिया। तो मेरे हिसाब से यह हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई होगी। तो जेम्स जीन्स की हाइपोथेसिस और जेफरीज महोदय की हाइपोथेसिस को हमने यहाँ पर पढ़ लिया, समझ लिया, और इसके जो मुख्य बिंदु है, जो डायग्राम है, वो भी मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी। अब इसके बाद हम लोग बाइनरी हाइपोथेसिस एच एन रसल साहब की पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस को देखने के बाद, इससे पहले वाली हाइपोथेसिस को देख करके एक बार रिविजन जरूर कर लेना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे का साफ होता जाता है, और अगर आप पीछे वाले को भी एक बार देख करके बुक से पढ़ लेंगे तो आगे वाले को भी आप फॉलो करते चलेंगे, उसके बाद बुक से पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपके दिमाग से जाने वाले नहीं है। और क्योंकि अब इनके क्वेश्चंस भी आते हैं बिग बैंग थ्योरी पर, हाल ही में क्वेश्चन आया है, तो कई क्वेश्चंस आ जाते हैं हाइपोथेसिस लेकर के, शायद अगला क्वेश्चन बाइनरी हाइपोथेसिस पर हो, टाइडल हाइपोथेसिस पर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकें, ठीक है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच।